दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और एसएलसी सुनील सिंह साजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब योगी पूरे नवरात्रि के दौरान व्रत रहते हैं तो उन्होंने लड्डू कैसे खा लिया। सपा एमएलसी ने ट्विटर करते हुए लिखा कि नवरात्रि के 9 दिन के व्रत पे सुर्खियां बटोरने वाले योगी जी धर्म कर्म यथास्थिति देख बदल लेते हैं। तभी तो नवरात्रि के व्रत के बीच कल खूब लड्डू घटकते रहे महाराज। सियासत धर्म की करते हैं और सियासत में बने रहने के लिए रास्ता अधर्म का अपनाते हैं। जनता समझ गई है कि ये बाबा ढोंगी है। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद योगी ने कहा था कि इस चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से देखा। यह पहली बार नहीं है जब सूबे की जनता के सामने समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा सामने आया है। उन्होंने सपा पर तानस कसते हुए कहा कि सपा सिर्फ लेना जानती है लेकिन देना नहीं जानती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में बीजेपी के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, डॉक्टर अनिल जैन, अशोक वाजपेयी, कांता कर्दम, विजयपाल सिंह तोमर, डॉक्टर हरनाथ सिंह यादव, शक्लदीप राजभर और जीवीएल नरसिम्हा के साथ 9वें उम्मीदवार के तौर पर अनिल अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। आखिरी तक रोमांचक रहे मुकाबले में अनिल अग्रवाल को 33 जबकि भीमराव अंबेडकर को 32 वोट मिले। इस तरह बीजेपी ने 9वीं सीट पर भी जीत दर्ज की और अनिल अग्रवाल ने मारी बाजी। हालांकि इस जीत के लिए बीजेपी को काफी जोर आजमाइश करनी पड़ी।